एक तो ये कि आज हम लोगों ने यहाँ पे मंच का आयोजन नहीं किया है, मंच यहाँ पे नहीं लगाया है, और जो भी साथी आ रहा है वो नीचे से आ रहा है, नीचे जाके सुन रहा है। दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हमने यहाँ पे मान्यवर साहब की गैस यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, लेकिन उनका स्टेचू नहीं लगाया है, उनका उनका यहाँ पे कोई चित्र भी नहीं है, वहां हम माल्यार्पण भी नहीं कर रहे। हम विचारों की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक नई परंपरा की शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे है वो आपको बैनर में नजर आएगी, जिसमें मैं 5 मिनट लूंगा और फिर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। साथियों का बहुत सारे मंच पे, बहुत सारी सभाओं में, बहुत सारे छोटे मोटे नुक्कड़ सभाओं में माननीय साहब को आज पूरी दुनिया में, मैं कहूंगा कि उनके सम्मान को, उनके उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उसका आज पूरी दुनिया में उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने किसी भी तरीके से अपने आप को इस आंदोलन का हिस्सा माना है, वो माननीय साहब को अपनी कृतांजलि आज पेश कर रहे हैं। हम लोग भी इसी कड़ी में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन माननीय साहब को हम अब किस रूप में देखना चाहते हैं, हम उनके किस बात से इतना ज्यादा प्रभावित हैं, क्या वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि उनकी बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अपनी जो यंग जनरेशन है, अपनी जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस तक इस बात को ले जाया जाना चाहिए। तो साहब एक बात कहा करते थे कि जिस आंदोलन की कंटिन्यूटी नहीं होती, या जो आंदोलन कुछ व्यक्ति विशेष के सहारे चलता है, या जो संगठन कुछ व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जिस आंदोलन की कंटिन्यूटी होती है, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी होती है, जिस आंदोलन का अपना एक संस्थागत ढांचा होता है, वो आंदोलन पीढ़ियों तक चलता है, वो आंदोलन लंबे समय तक चलता है। संगठन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो संगठन लंबे समय तक चले। अगर जिस व्यक्ति ने उस संगठन का निर्माण किया है, जिन व्यक्तियों ने उस संगठन के निर्माण में अपना खून पसीना लगाया है, अगर वो स्वार्थवश, लालचवश, डर से या किसी और वजह से इधर उधर हो जाए तो बातें खत्म हो जाती है। इसलिए हमें संगठन की उतनी जरूरत नहीं है, हमें संस्थाओं की जरूरत है, क्योंकि संस्थाएं जो है व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होती, इंस्टीट्यूशन जो है वो व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होते। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, मुद्दे आते जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं जिंदा रहती हैं। और संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए आपको कुछ कालजयी उद्देश्य आपके होने चाहिए, घटना विशेष उद्देश्य नहीं हो सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे मारपीट हो गई इसलिए हमें उसका रिएक्शन करना है, हमारे साथ यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है उसका हमें प्रतिकार करना है, रिएक्शन करना है। इसलिए माननीय साहब ने जो भी कार्य किया वो कार्य संस्थागत था, ऑफकोर्स उन्होंने संगठन भी बनाया, लेकिन वो संगठन जो है वो पुराने हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को बनाने के लिए थे, उसको बनाए रखने के लिए थे। इसीलिए जब मैं बैनर की बात कर रहा था तो मैं जो विशेष आपकी तवज्जो चाह रहा था वो ये था कि हमारा जो आंदोलन है, मतलब पिछले 2500 साल का आंदोलन, या बहुत प्रोसाइज हो जाए तो लगभग 2200 साल का हमारा आंदोलन है, जिसकी हमारे पास रिटन हिस्ट्री है, जिसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जिसमें हम उस मित्रसूत्र के बाद से अपने इस आंदोलन को, अपनी उस बौद्ध परंपरा को, उस बौद्ध सभ्यता को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, बुद्ध में भारत को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। ये लगभग 2200 साल का हमारा संघर्ष का समय है जिसको हम आगे चला रहे हैं, और उससे पहले तथागत ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया, 500 साल तक बहुत मजबूती से चला और पूरी दुनिया में फैल गया। आप जानते हैं कि ईरान से लेके वियतनाम तक अपने साथी बताए गए, और जम्मू कश्मीर से लेके नीचे अफगानिस्तान से लेके नीचे कन्याकुमारी और श्रीलंका तक ये मूवमेंट था। तो फिर जो बुद्ध ने इस आंदोलन को शुरू किया था, उस आंदोलन के आप, मैं नहीं बताऊंगा उस आंदोलन की, लेकिन तीन जो महत्वपूर्ण पक्ष है या महत्वपूर्ण बिंदु है वो बुद्धम शरणम गच्छामि है, वो धम्मम शरणम गच्छामि है, वो संघम शरणम गच्छामि है। और इसको आप जानते हैं कि ये कोई व्यक्ति का मामला नहीं है, ये एक संस्था का मामला है, एक विचार का मामला है। लेकिन इसको फिर बाबा साहब ने और उनसे उनके बीच में और बहुत सारे हमारे महानायक महानायिकाएं हुई हैं, हमारे बहुत सारे सामाजिक क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को चलाया, लेकिन बाबा साहब ने इसको निर्णायक आकार दे दिया, इसको एक शेप दे दिया, किसी से इसको जो है एक फॉर्म दे दिया। और उस विशिष्ट फॉर्म को अगर देखें तो जो
बाबा जो तथागत का जो हमारा मॉडल था उस तथागत के मॉडल को बाबा साहब ने फिर रेप्लिकेट किया और आधुनिक संदर्भों में इसको एजुकेटेड ऑर्गेनाइज में बांध के हमारे सामने रख दिया। जो बुद्ध का उद्गम है वो बाबा साहब का एजुकेशन है, वही जो धम्म है वही हमारा TS4 है और जो हमारा संगम है वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तक बात लगभग हमारे समझता हूँ कि सारे लोग जानते हैं, समझते हैं, कम से कम जो मूवमेंट में है वो लोग जानते हैं, जिन्होंने सिर्फ किताबी चीजें पढ़ी है उनको शायद हो सकता है इसकी जानकारी ना हो। इसीलिए जो गफलत बीच में होती है वो गफलत होती है कि कुछ लोग जो है पहले एजुकेशन रखते हैं उसके बाद सीधे ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं और फिर एजुकेशन पे आते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है लाखों संगठन बना के ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है लेकिन संगठन बन रहे हैं, समाज ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। समाज इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है क्योंकि आपको उसके लिए पहले एजुकेशन करना पड़ेगा। जो करंट फॉर्म है बाबा साहब की और तथागत बुद्ध की वो एजुकेशन है, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको तीसरी कड़ी के रूप में सामने रखा है और उसमें जो मान्यवर साहब का योगदान है और जिसको स्पर्टिकल का करिकुलम कहते हैं, तो वो ये है कि जिस बात को तथागत बुद्धि की शरण में जाना कह रहे थे, जिस बात को बाबा साहब एजुकेशन के रूप में कह रहे थे, उसी बात को मान्यवर साहब ने बाम से के रूप में कहा। बाम से वास्तव में आपको बुद्धि की शरण में लेके जाता है, बाम से वास्तव में आपको एजुकेट करता है। वो बहुत सारी चीजें जो इन शब्दों के जो इन सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमी हुई है, इसीलिए बाम से हम चलता फिरता विश्वविद्यालय बोलते हैं। बाम से चलता फिरता विश्वविद्यालय था जिसके अंदर जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी उसके सदस्य थे, वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कम नहीं थे। आज भी अगर आपको एक सच्चा कार्यकर्ता वामसेव का मिलता है तो वो आपको वो सारी चीजें उस तरीके से चीजों को बताने का प्रयास करता है जो बातें मान्यवर साहब ने उनको समझाई और जो हमारे इतिहास को हमारी अकेडमी को आपके सामने ला के रखती है। दूसरी बात, जब आपको सही चीज समझ में आ रही है, जब आपका एक प्रबोधन हो गया है, जब आपको आपने इतिहास का पता चल गया है, सच और झूठ का पता चल गया है, न्याय और अन्याय का पता चल गया है, सही और गलत का पता चल गया है, आपके अंदर जब सम्यक दृष्टि आ गई, आपके अंदर जब सम्यक दृष्टि आ गई है तो अब आपके अंदर सम्यक संकल्प भी आना चाहिए। सम्यक संकल्प आपका कैसे आएगा? सम्यक संकल्प आपके अंदर तब आएगा जब आप सही को सही और गलत को गलत कहना स्टार्ट कर देंगे। आपको अगर सही और सही, सही को सही गलत को गलत कहने की समझ आ गई तो जहां कहीं आपने अत्याचार देखा, जहां कहीं आपने जाति का व्यवहार देखा, जहां कहीं आपने किसी के ऊपर जो है किसी भी प्रकार से जाति होती देखी, डिस्क्रिमिनेशन होता देखा या किसी गलत बात का जो है प्रबोधन होता देखा, तो फिर आप तुरंत कहने लगते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। यही वास्तव में एजुकेशन है। एजुकेशन सड़क पे जाके गोली खा के घर में बैठ जाना नहीं है। एजुकेशन हर उस जगह पे जहां पे आप हैं, चाहे आप क्लास के अंदर है, चाहे आप स्कूल के अंदर है, चाहे आप कॉलेज के अंदर है, चाहे ऑफिस के अंदर है, चाहे आप सड़क पे हैं, चाहे आप गांव के अंदर है, चाहे आप शहर के अंदर है, चाहे आप खेत में है, चाहे आप दोस्तों के साथ है, जहां कहीं भी गलत है, अगर आपके अंदर सम्यक दृष्टि है, अगर आपकी अच्छी एजुकेशन है, अगर आपकी सही बुद्धि काम कर रही है, तो फिर आप वहीं पे तुरंत एजुकेट होने लगते हैं। आपका माइंड एजुकेट करने लगता है, आपकी बुद्धि जो है वो उत्तेजित होने लगती है, आप सही बात को स्वीकार करते हैं और गलत बात जो है उसको आपका सॉफ्टवेयर स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है। वास्तव में ये एजुकेशन है। लेकिन कुछ साथियों ने इस तरीके से करने के हम हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हो गए, 85% को पहले जोड़ेंगे तब जाके बात करेंगे। इससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति हिम्मत कर सकता था, एक व्यक्ति की हिम्मत कर सकता था, दो व्यक्ति की हिम्मत कर सकते थे, उन्होंने हिम्मत नहीं की, वो चुपचाप बैठ गए और काम जो है बंद दीवारों के अंदर होने लगा। मैं उसको इस रूप में भी कह सकता हूँ कि काम सिर्फ ये होने लगा कि भाई हम क्या कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। 40 साल से एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेंगे आप? बार बार उस बात को रिपीट करेंगे तो इससे विकृति पैदा हो जाती है, उससे जो है आपका डी जनरेशन हो जाता है, उससे आपको डीमोरलाइजेशन आपका हो जाता है। इसलिए जब आपके समझ में बात आ गई है, जहां पे आपके समझ में आ गई है वहीं पे उसका विरोध करना
करना आप शुरू करेंगे। इसलिए जो मान्यवर साहब ने भी बाम शेल का निर्माण किया, उसके बहुत जल्दी जब उन्होंने एक अच्छा खासा कैडर डेवलप कर लिया, भाई ऐसा नहीं कि 78 में बाम शेल बनी उससे पहले काम नहीं हुआ था, काम मान्यवर साहब ने 64 से स्टार्ट किया था। 73 में ही हमने जो है बाम शेल को ब्रीफ किया था, उसका रूप सामने आ गया था, उससे पहले भी काम चल रहा था। इसलिए जब एक परिपक्व हमारा कैडर डेवलप हो गया, उस कैडर के सहारे होगा कि सिर्फ घर में रहकर काम नहीं चलेगा, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है, जो समझ मुझे मिल गई है, अब उस समझ को आगे तो ले जाना पड़ेगा। इसलिए इस उन्होंने फिर जो धम्म का आचरण है, जो एजुकेशन है, उसके लिए नया रूप हमारे सामने लेके आए और उसको हम PS4 के नाम से जानते हैं। PS4 आप जानते हैं कि मानवर साहब ने एजुकेशनल बिल बनाई थी, उसने बहुत सारे कार्य किए, उसने अलग तरीके से एक मॉडल सामने दिखाया कि किस प्रकार से आपको काम करना है, किस प्रकार से आपको समाज को इकट्ठा करना है। और जैसे ही आप अपने आप को लीडिंग रोल में लाते हैं, अपने आप को आप सामने रखते हैं, किसी गलत चीज का विरोध करते हैं, किसी सही चीज का समर्थन करते हैं, तो वो साथी जो मन ही मन सोच रहे थे कि नहीं ये बात गलत है, हमें इसका विरोध करना चाहिए, ये सही है, हमें इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उनके अंदर अभी वो कन्विक्शन नहीं आया था, उनके अंदर अभी अपने आप को मानसिक रूप से उन्होंने तैयार नहीं किया था। तो जैसे ही आप इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो तुरंत लोग आपके साथ आना शुरू कर देते हैं। वास्तव में हमारे महानायकों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने यही काम तो किया है, उन्होंने जहां कहीं पर भी थे वहीं पे अपना एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। उस एजुकेशन के सहारे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। वास्तव में जिसको हम संघ की शरण में जाना कह रहे हैं, संघ की शरण में जाने का मतलब 4-6, 2-4, 5 हजार भिक्षुओं की शरण में जाना नहीं, संघ की शरण में जाना वास्तव में पूरे समाज को, जो हमारे समता मूल्य समाज है, जो हमारा समता मूलक समाज है, जो हमारा न्याय परक समाज है, जो हमारा मानवता मूलक समाज है, उस सिद्धांत के आधार पर समाज की पुनर्संरचना करना है, उसका रीऑर्गेनाइजेशन करना है। 4-6, 10-2-4 हजार लोगों से काम नहीं चलेगा, अगर आपने सिर्फ कुछ लोगों को तैयार किया, कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज किया, तो उनको खत्म करना बहुत आसान होगा, चाहे आप उनको डरा के करें, चाहे आपको लालच दे के करें। और अगर आपके सामने दुर्दांत विपक्ष जो है जानवरों से आपका मुकाबला हो जाए, तो फिर वो जो है आपका कत्लेआम भी कर सकते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे हजारों साल पहले हुआ, जो बहुत भिक्षुओं को खत्म किया गया, क्योंकि संघ का मतलब सिर्फ बहुत भिक्षुओं को सीमित कर दिया गया, बल्कि संघ का मतलब समाज ना करके जब कुछ हजार लोग रह गए तो उनको समाप्त करने में बहुत आसानी हो गई, मनवादी लोगों को, जानवादी लोगों को, बाकी लोगों से दूर हो गए थे। इसीलिए इस चीज से सबक सीखते हुए बाबा साहब ने भी इस बात को कहा कि हमें पहले समाज को तैयार करना पड़ेगा, अगर समाज तैयार नहीं होता है तो हमारा नेतृत्व भी जो है इधर उधर हो सकता है। जिसको उन्होंने कहा कि अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए तो ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा, अगर हमारा समाज जो है वो कमजोर है, वो दीनहीन है, समाज को समझ जो है कहीं अड़कचरी है, तो फिर वो बहुत जल्दी दूसरी तरफ जा सकता है, उसको बहकाया फुसलाया जा सकता है। इसलिए इस बात को समझते हुए कि हमें सिर्फ संगठन की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेतृत्व की समझ नहीं जरूरत नहीं है, हमें समाज की जरूरत है, हमें बहुजन समाज का निर्माण करना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को जो मान्यवर साहब ने बनाया, और इस चीज को बहुत सारे पुराने साथी जानते होंगे कि साहब कितनी बार इस बात को रिपीट करते थे कि बहुजन समाज पार्टी बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को तो हम जितनी जल्दी चाहें, जब चाहें उतना पूरे देश में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से पहले हमें बहुजन समाज का निर्माण करना है। जब तक बहुजन समाज का निर्माण नहीं करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी भी या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। जिस बात को हम सामान्य शब्दों में ये कहते हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति भी सफल नहीं हो सकती। अगर राजनीति को सफल करना है तो फिर आपको गैर राजनीतिक जड़ों को भी मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए जो संगठन उन्होंने बनाया वो संगठन वास्तव में एक संस्था का रूप था, और ये समाज को बदलने का काम कर रहा था, समाज को जो है जागृत करने का काम कर रहा था। इसलिए आज आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानव साहब के विश्वविद्यालय से पढ़ के निकला, उसने जहां कहीं पर भी था अपने आप को वहां पे स्थापित किया, उस वो संगठन का भी काम करता है और समाज के ऑर्गेनाइजेशन का भी काम करता है, वो
में नहीं रोकता, वो चाहता है कि बीएसपी राजनीति के शिखर तक पहुंचे। अब जी जो है वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके साथ साथ हमारा समाज का उद्बोधन हो, हमारे समाज जो है वो भी समतामूलक समाज होना चाहिए, वो भी जो तथागत का जो सिद्धांत था, जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, वो प्रबुद्ध भारत का निर्माण तभी हो पाएगा जब जो टेक्निक माननीय साहब ने आगे बढ़ाई उसको हम लागू करते हैं। इसको साथियों इस रूप में भी देखा जा सकता है कि किसी भी अगर आप वर्ल्ड व्यू को देखें तो उनका एक दर्शन होता है, तथागत का जो विचार है, तथागत का जो सारा का सारा आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उन्होंने दर्शन के रूप में चीजों को कहा। जैसे सिर्फ एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, एक लाइन में कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि आपको दीन भाव, आपको दीन भाव का मतलब हम ये समझते हैं या हम ये लगाते हैं, ये सोचते हैं कि आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना है, आपको किसी के पीछे नहीं चलना है, आपको अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठानी है। यू कैन नेवर बी अ फॉलोअर, यू हैव टू बी द मास्टर, बी मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अगर आप उन्होंने पढ़ा हमें कैनवास बता दिया, लेकिन उसकी छोटी छोटी बातें उसके अंदर जो व्यवस्था के संदर्भ में जो तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में जो चीजें होनी चाहिए थी उनको तथागत ने अपने जो समय के संगठन था, जो समय के संघ था उनको बताया, समाज को बताया, लेकिन उन्होंने बड़ी चीज बड़ा खाका हमारे सामने रखा। इसको आधुनिक समय में उस दर्शन को आधुनिक समय में विचारधारा का रूप बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने समय की परिस्थिति के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, क्या इतिहास है, क्या वर्तमान है, क्या राजनीति है, क्या समाज है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, इसको क्रिस्टल क्लियर आपके सामने बता दिया। किस रास्ते पे जाना है इसको भी बता दिया उन्होंने, चाहे आपको शासन बनने का रास्ता बताया, चाहे जाति व्यवस्था को तोड़ने का रास्ता बताया, चाहे प्रभुत्व भारत बनाने का रास्ता बताया। लेकिन ये कथा ये बाबा साहब ने एक विचारधारा के रूप में सामने रखा। तो पहली चीज हमारे सामने आती है वो है कि एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी को बाबा साहब ने एक कॉडिफाई किया, उसको आइडियोलॉजी का रूप दिया, लेकिन फिलॉसफी और आइडियोलॉजी अधूरी है अगर वो जमीनी स्तर पर वो लागू नहीं की जा सकती। तथागत ने खुद कहा है कि लाखों करोड़ों शब्द ज्ञान के कोई महत्व नहीं रखते अगर उनको हम लागू नहीं कर पाते हैं। वास्तव में जो तथागत का जो सिद्धांत था, जो उनकी फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को विचारधारा के रूप में बाबा साहब ने सबके लिए एकदम क्लियर कर दिया। इतना ज्यादा उन्होंने लिखा, इतना ज्यादा महीन तरीके से लिखा कि चाहे वो संविधान है, चाहे और बाकी का लिटरेचर है, हमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, 100% हमारे लिए क्लैरिटी है। लेकिन माननीय साहब ने उस दर्शन को, उस विचारधारा को तीसरी चीज से जोड़ा, वो तीसरी चीज है रणनीति। विचार और सिद्धांत रणनीति के बिना अधूरे हैं, उनको लागू कैसे करना, उनको धरातल पर कैसे उतारना है, ये मानवता ने हमें बताने का प्रयास किया। और उन्होंने जो उनका अपना खुद का जीवन, उनके अपना खुद का लाइफ स्टाइल था, उससे उन्होंने बताया कि भाई कौन व्यक्ति इस विचारधारा को लागू कर सकता है, किस तरीके से इस विचारधारा को लागू किया जा सकता है। तो फिर जो हमारे आंदोलन के महान सिद्धांत है, जो हमारे उद्देश्य है, इस दर्शन का एक उद्देश्य है, इस विचारधारा का एक उद्देश्य है, इस रणनीति का एक उद्देश्य है। माननीय साहब एक बात कहा करते थे और ये चलगांव से हमारे साथी एक आए हुए हैं आज इस कार्यक्रम के लिए, अमित साहब का कथित रूप उन्होंने इस बात किया कि वहां पे कोई बाबा साहब के नाम से अध्ययन स्टडी सर्कल चलते थे, अंबेडकर स्टडी सर्कल चलता था, तो 94 में शायद उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने किसी साथी से पूछा कि भाई यहाँ पे 73-74 के समय पे एक अध्ययन माला चलती थी, स्टडी सर्कल चलता था, वो स्टडी सर्कल नहीं, वो क्या उनका अध्ययन अभी भी चल रहा है या अध्ययन सांपला हो गया, मतलब कि वो स्टडी अभी भी जारी है, स्टडी खत्म हो गई है, क्यों, क्योंकि कुछ मनुष्य अपनी स्पीच में कहते हैं कि अध्ययन का अपना एक ध्येय होना चाहिए, there has to be an objective of study। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ने
पढ़ने का उद्देश्य क्या है ये क्लियर होना चाहिए। अगर पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना हो जाए तो वो किसी काम का नहीं होता, खासतौर पर वंचित समाज के किसी काम का वो नहीं है। इसलिए जब आप विचारधारा को लागू अगर नहीं कर पाए, प्लेटो ने क्या लिखा, अरिस्टोटल ने क्या लिखा, उसका कोई खास महत्व तो नहीं है क्योंकि वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन मार्क्स ने क्या लिखा, इसका काफी महत्व है क्योंकि उनकी विचारधारा को दुनिया के कई देशों में लागू कर दिया गया। बहुत ज्यादा लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, जो लोग थोड़ा भी दुनिया की राजनीति को समझते हैं उन्हें पता है कि वो मार्क्स का या विरोध करते हैं या मार्क्स का समर्थन करते हैं। आपको होना पड़ेगा। उसी तरीके से आज भारत की स्थिति ये हो गई है कि या तो आप कांशीराम साहब की जो रणनीति है उसके विरोध में है या उसके पक्ष में है। आज पूरे देश के अंदर स्थिति ये आ गई है कि उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो तरीका क्या है, उस तरीके के बारे में अगर हम सोचे कि तरीका क्या था, तो एक जो महत्वपूर्ण बात और जिस चीज को लेकर हमने अपने बैनर में इस बात को रखा है पिछले कुछ समय से, हम आज के दिन को पे बैक टू सोसाइटी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं सुधीर साहब, इसमें क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैनेजर साहब आज के दिन गए जरूर, लेकिन उन्होंने एक भरा पूरा जीवन जिया, हमें जो दे सकते थे एक जीवन में इतना ज्यादा उन्होंने हमें दिया कि हमारे लिए कोई बहुत कम का अवसर नहीं है। ये हमारे लिए एक ये अवसर है कि हाँ उनका जो कार्य है उस कार्य को हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, उसको अपनी जिम्मेदारी समझें और आगे बढ़ाएं। तो ये जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कंसेप्ट है या जो विचार है जो रणनीति है लेके थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे साथ। पे बैक टू सोसाइटी अपने आप में, क्योंकि कोई भी जो मानव साहब ने जो एक बात कही कि भाई आपको परिवर्तन अगर लाना है तो परिवर्तन के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। तीन चीजों की जरूरत क्या है? नंबर एक कि परिवर्तन की जरूरत होनी चाहिए, there has to be a need of a change। इस देश के जितने भी जाति के शिकार लोग हैं, प्रदीप भाई ने अभी शेयर किया था फेसबुक पे, जाति के शिकार लोग जिनको के मानव साहब 85% लोग समाज कहते हैं, तो जाति के शिकार लोग जो है उनको जरूरत तो है कि भाई जाति व्यवस्था खत्म हो, एनिहिलेट हो, लेकिन समस्या ये है कि इनकी जरूरत किसी की बहुत ज्यादा है, जो बिल्कुल नीचे की तरफ है उनकी बहुत ज्यादा है, जो थोड़े ऊपर की तरफ है उनकी थोड़ी कम है। कुछ लोग अपना शांति से रह रहे हैं, जो मिडिल क्लास है उनको ज्यादा टेंशन बाजी है, लेकिन जरूरत नहीं दी है, उनको बता दिया जाए कि भी आप राजा बन सकते हैं तो तुरंत आपके साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जरूरत तो सबको है लेकिन डिजायर लोगों के अंदर है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जरूरत के साथ साथ इच्छा भी होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं है तो 2000 साल से या 1500 साल से खासतौर पर जो अनटचेबल से टाइगर्स जो है वो बिना इच्छा के ही गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं, बड़ा बिजनेस के रूप में रह रहे हैं, बड़ा बिजनेस के रूप में रह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है, इसलिए आपने अपनी इच्छा जो उन्होंने मार ली है, शायद शुरू में उनकी इच्छा रही होगी, लेकिन जब पिटाई हुई, जब हत्या हुई, जब मर्डर हुए, जेनोसाइड हुए, प्रोग्राम हुए, तो उस समय पर उन्होंने अपने आप रोक लिया, उनकी इच्छा भी बदल गई। और अब तो अब से अगर 200 साल पहले उनसे पूछा जाता था ज्योतिबा फुले के आंदोलन के पहले से, तो सब यही कहते कि हमारे पिछले जन्मों का पाप है, आप तो नीचे हैं, ये हैं, वो हैं, तो तैयार नहीं थे। लेकिन मानव ने कहा कि इनके अंदर इच्छा पैदा की जा सकती है क्योंकि इनके अंदर जरूरत है। तो जैसे ही आप इनको समझाएंगे, किसी को एक दिन में, किसी को दो दिन में, किसी को चार दिन में समझ में आ जाएगा ये वो डिजायर इनके अंदर डेवलप हो सकती है। और जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत होगी उसके अंदर इच्छा भी उतनी ही ज्यादा तीव्र होगी, उसके अंदर जरूरत के हिसाब से ही अपने उस सिस्टम को बदलने की जरूरत होगी। लेकिन साथियों ये दोनों चीजें पर्याप्त नहीं, इच्छा से काम नहीं चलता, जरूरत से भी काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन गंवा दिया, व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया लेकिन व्यवस्था बदली नहीं। मानव साहब तीसरी चीज की जरूरत यहां पे कहते हैं, जरूरत, इच्छा और तीसरी चीज हमें चाहिए शक्ति, ताकत। नीड इनटू डिजायर इनटू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज। शक्ति इस समाज के पास थी है, खासतौर पे जो सबसे ज्यादा सताए हुए, सबसे ज्यादा
पिछाड़े हुए सबसे ज्यादा बिखरे हुए लोग थे, उनके पास शक्ति के नाम पर कुछ नहीं था, क्योंकि मनुस्मृति ने कह दिया कि इनकी शक्ति क्या होगी, ये अपने पास कपड़े नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, इनके टूटे हुए मिट्टी के बर्तन होंगे, लोहे की इनके जो है ऑर्नामेंट्स होंगे अगर होंगे, और कुत्ते और नहीं गधे और सुअर जो है वो इनकी संपत्ति होंगे, तो इनके पास और कुछ भी नहीं था, तो क्या उसके बिना तो काम चलना नहीं है। यहाँ पे मान्यवर साहब ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक हस्तक्षेप किया, यहाँ पर उन्होंने कहा, और जिसको वीरेंद्र जी कह रहे थे शुरू में ही, कि जो एक धब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ था, जिस वजह से हमारे बाबा साहब की आंखों में आंसू आए थे 18 मार्च 1956 को, 18 मार्च 1956 को आगरा के लाल किला के सामने लाल किला मैदान में जो सभा हुई थी, उसमें सामने बाबा साहब ने देखा कि हमारे भाई बहन माता बहने जिनके पास ढंग से कपड़े नहीं है, जिनके चेहरे बिल्कुल रोए हुए हैं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनके पैरों पर चप्पल नहीं है, वो सामने बैठे हुए हैं सभा के अंदर, इस तरह के लोग बैठे हुए थे। तो उस समय पे बाबा साहब के मन में विचार आया कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोग कहाँ, हालांकि इस बात को बहुत ज्यादा गलत संदर्भों में कहा गया है, क्योंकि बाबा साहब का जो मतलब था उस समय पे वो उन 16-17 लोगों से था जिनको उन्होंने अमेरिका और लंदन पढ़ने के लिए भेजा था, जिनमें से एक व्यक्ति सिर्फ वापस आया, ज्यादातर लोग वहीं पे बस गए, इसलिए बाबा साहब इस बात को कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे लोग जो है उन्होंने मुझे मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ नहीं आया, उनको आना चाहिए था। लेकिन उस दिन बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों से थोड़ी सी उनको लगा कि इन लोगों ने काम नहीं किया, और क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका था, 1956 आप जानते हैं कि कितना नजदीक समय था बाबा साहब का, इसीलिए बाबा साहब ने दुखी होकर कहा कि मैं आपको आपके लिए उतना नहीं कर पाया, अपने गरीब समाज के लिए उतना नहीं कर पाया, अपने गांव के समाज के लिए उतना नहीं कर पाया जितना पढ़े लिखे लोगों के लिए कहा किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में जरूर पढ़े लिखे लोग और खासतौर पर मेरे जो यूथ हैं वो जरूर इस बात को समझेंगे कि कोई व्यक्ति आया था, किसी व्यक्ति ने इस तरह की बातें की थी, तो वो इस आंदोलन को फिर आगे ले जाएंगे। इसलिए पढ़े लिखे लोगों में जो इस आंदोलन के कर्ज के कारण अपनी पोजिशन पे आए हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं या चपरासी बने हैं, जो भी व्यक्ति या राष्ट्रपति बने हैं या चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो भी व्यक्ति इस आंदोलन की उपज के सहारे हमारे महापुरुषों के हजारों ऐसे लोगों जिनका हम नाम नहीं जानते, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, उनके जीवन के सहारे हम जो यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा ऋण है, हमारे ऊपर उनका ऋण है, हमें उसको पे बैक करना है। इसलिए मान्यवर साहब ने जो उस परिवर्तन की कड़ी का जो तीसरी जो जरूरत थी कि शक्ति होनी चाहिए, उन्होंने देखा कि शक्ति कहाँ पे, शक्ति जो है ले देके एक पढ़े लिखे लोगों के पास ही थी, इनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान भी था, थोड़ी बहुत इनके पास नौकरी की वजह से आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई थी, पर थोड़ा बहुत इनके पास समय भी था, तो उन्होंने कहा कि इनको जोड़ना चाहिए, इनका धब्बा भी मिट जाएगा, हमारे पास स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। इसीलिए मान्यवर साहब ने 78 तक घूम घूम कर और उसके बाद पूरे जीवन घूम घूम कर पढ़े लिखे लोगों के अंदर समाज को पे बैक टू सोसाइटी का सिद्धांत लागू करने का प्रयास किया, उनके अंदर प्रबोधन किया, उनके अंदर वो चेतना लगाई कि आप जो कुछ है वो समाज की वजह से है, इसलिए आपको अपना टाइम टैलेंट ट्रेजर जो है वो समाज के साथ शेयर करना चाहिए, समाज के साथ उसको जो है पे बैक करना चाहिए और सतत करना चाहिए, कंटिन्यूसली आपको करना चाहिए। इसलिए पूरे देश के अंदर आज जो आंदोलन चल रहा है, और पिछले मैं कहता हूँ पिछले 40 साल से जो आंदोलन चल रहा है, वो वास्तव में देश के पढ़े लिखे लोग ही चला रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे लोग ही गद्दारी कर रहे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी गद्दारी कर रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं इस आंदोलन को चला रहे हैं। जो चला रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो एम्प्लॉयड हैं, वो दूसरे जॉब्स में है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे चला रहे हैं, हमारे जो गांव के साथी हैं, हमारे जो अनपढ़ साथी हैं, जो अपना रोजगार कर रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो भी इसमें कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। जो रैलियों में आप 20-20-30-30 लाख की भीड़ देखते हैं, वो आपकी भीड़ नहीं होती है, आपको दूसरे तरीके से समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, पैसा देने का काम
मुझे याद है कि 2008 को बड़ी होकर मीटिंग हुई लखनऊ के अंदर, जब सरकार बन गई थी उसके बाद गोरखपुर से एक बहुत बुजुर्ग साथी, उनका पैर ठीक से नहीं था तो उस रैली में आया, कपड़े भी उनके पास अच्छे नहीं थे, मतलब साफ सुथरे कपड़े नहीं थे और पैर जो है उनका ठीक नहीं, आपको लगाई हुई थी बैसाखी उन्होंने लगाई हुई थी। तो एक पत्रकार को जैसे ये रैली खत्म हुई पत्रकार को मसाला मिल गया कि भाई ये आदमी आ रहा है इससे पूछने, और पहले ही सवाल उसने डाल दिया कि भाई तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास जो है चेहरा ऐसा लग रहा है सही ठीक नहीं है, यहाँ पे आके क्या ले रहे हो, तुम्हें क्या मिला इस चीज से, इतने दिन से ऊपर चल रहा है तुम्हें इससे क्या मिला, तुम यहाँ पर क्यों आते हो। उन्होंने कहा कि हम कुछ लेने नहीं आते, ताकत दिखाने आते हैं, छाती छुपा के ऐसे कहा मीडिया चल रहा था सुबह से पूरा शोर मचा रहे थे कि इतनी है व्यवस्था हो गई, यहाँ पे ये हो गया वहाँ हो गया, उस एक क्लिप ने उनका सारा का सारा प्रचार धो दिया। तो ताकत तो वहीं से मिली है लेकिन उनका इकट्ठा करना, उनको करना, तो माननीय साहब ने वास्तव में इस समाज के अंदर पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट जो है उसको बहुत मजबूती से जोड़ा, उसके साथ में लोगों को हजारों लोगों को जोड़ा जिन्होंने अपने जॉब्स भी छोड़े, अपना घर बार भी छोड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। और उसको फिर मैं एक उदाहरण के सहारे ही कहना चाहूंगा कि जब हमारा यहाँ पे ऑफिस पहली बार बना, अमेरिका सर आपकी चाहिए इसमें, जब पहली बार यहाँ पर ऑफिस बना, वामसेट का एक ऑफिस बन रहा था शायद, वामसेट का नहीं है, बीएसएनएल का ऑफिस बनना था करोड़ बाग में, तो माननीय साहब कहने लगे कि भैया मुझे छोटे मोटे ऑफिस की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे आगे कम से कम मैं चारों तरफ घूमता हूँ, थोड़ा बहुत एक आध घंटे के लिए आराम कर लूँ। उसके बाद कहने लगे कि ऑफिस बन जाए ठीक है, और मुझे एक अपने लिए सेक्रेटरी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अपने लिए एक सेक्रेटरी चाहिए जो मेरा आने जाने का हिसाब रखे, थोड़ा बहुत जो है कपड़े वगैरह भी जो है जरूरत पड़ने पर इधर उधर करता रहे, तो उनकी मतलब निजी सचिव की उन्हें जरूरत थी। तो कई सारे लोग थे साथ में, कहने के साथ हम कहेंगे क्या मतलब है इसका, तो अगर कोई ऐसा ऐसा आदमी चाहिए मुझे सेक्रेटरी ऐसा चाहिए कि जो मेरे लिए खाना भी बनाए, मेरे कपड़े भी धुले, मेरा सारा काम करे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात जो हर महीने मुझे 250 रुपया दे। सेक्रेटरी मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उसे तनख्वाह नहीं दूंगा, मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे हर महीने 250 रुपया मेरे टिकट का भी इंतजाम कर दे। यहाँ पे मैं मनोहर आटे जी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा, मनोहर आटे जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा और साहब के पहले सेक्रेटरी बने, ऑफिस बना वहां पे उन्होंने इस काम को किया, पोस्ट मास्टर थे वो, और जिस महाराष्ट्र में और अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हुए। सो इस तरह का ये मामला है, पे बैक सोसाइटी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपको अगर मूवमेंट में जुड़ना है तो उन्होंने पहली शर्त क्या रखी कि कर्मचारियों का संगठन, कर्मचारियों के द्वारा संगठन लेकिन कर्मचारियों के लिए नहीं, ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉइज बट नॉट फॉर द एम्प्लॉइज, जिनको अपनी प्रमोशन पोस्टिंग चाहिए, जिनको अपना ट्रांसफर चाहिए, जिनको अपना इधर उधर काम करना है, वो कभी मेरे पास ना ये कर्मचारियों का संगठन इस काम के लिए नहीं है। इस काम पे तो ऐसे बहुत सारे एससी एसटी वेलफेयर संगठन बने हुए हैं जिनका काम ही है कि यहाँ से वहां वहां से वहां करा दिया, काम कैसा कराते हैं वो देखते हैं, मगर इसका तो काम ये है फिर जगह जगह जाके समाज में प्रबोधन करेगा, समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा, इसलिए यहाँ पे वो ही व्यक्ति आएगा जो समाज को देना चाहेगा, समाज से लेना नहीं चाहेगा। इसलिए ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिसमें उन्होंने अपने क्यों माननीय साहब के लिए कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ के 250 रुपए देने के लिए तैयार हो गए, कपड़े धुलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि 64 में खुद उदाहरण उन्होंने पेश किया और 64 से लेके 80 तक तो 16 साल हो गए, 16 साल में तो सब समझ जाते हैं कौन व्यक्ति कैसा है किस लिए काम कर रहा है। तो उनके लिए एक व्यक्ति क्या, ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को उस आंदोलन के लिए, तथा बाबा साहब कहते थे माननीय साहब कहते थे मेरे लिए कुछ मत करना, अपने लिए मेरा अगर कुछ करना है तो ये मेरे लिए नहीं हो रहा है, मूवमेंट में काम करना है मूवमेंट के लिए करिए, मेरे से आप अपनी प्रतिबद्धता मत जोड़िए। देखो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा तैयार हुआ, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा
मुझे लगता है कि आज वो हमारे सामने वो ग्रुप पूरी तरीके से सामने आ गया है। वो राजनीति में काम कर रहा है आपके साथ, एक राजनीतिक पार्टी है जो देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत सशक्त है और देश के दूसरे राज्य में भी सशक्त है। उसी तरीके से आपके समाज में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, हर क्षेत्र में इस तरह के आपके विसंगी साथी हैं जो उस विश्वविद्यालय से निकले हैं, उसके साथ उसके विद्यार्थी रहे हैं, पर वो और इस बहुजन आंदोलन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये आंदोलन वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, राष्ट्रीय बहुजन आंदोलन बन गया है। इसको मैं समझता हूँ कि माननीय साहब ने जो छोटे मोटे क्षेत्रों में जैसे अय्यंकारी के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, अयोध्या दास के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, हीरा चंद कुंजे ठाकुर के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, कृष्णा बढ़िया के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, माननीय कहते हैं कि 100 लोग हैं कम से कम जिन्होंने बहुजन आंदोलन को पूरे देश में फैलाया है। तब थोड़ा बहुत बाबा साहब का नाम जानते थे, थोड़ा बहुत जो है ज्योतिपुरा फुले साहब का नाम जानते थे, उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं था। आज कम से कम देश के अंदर आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए 30-35-40 लोगों को तो आप सब लोग जानते हैं जो हमारे राष्ट्रीय आइकन्स बन चुके हैं, जो हमारे राष्ट्रीय शिखर पुरुष और राष्ट्रीय शिखर महिलाएं बन चुकी हैं, पूरी दुनिया उनको जान रही है। अभी और हमारे ऐसे 60-65 लोग हैं जिनको हमें उकेरना है, जिनके जैसे ललित सिंह यादव के बारे में हम लोग जानने लगे हैं, उनको स्थापित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले को पूरी दुनिया जान चुकी है। ये माननीय साहब ने चीजों को आगे बढ़ाया, माननीय साहब ने इसको एक राष्ट्रीय फलक पे स्थापित कर दिया, इसलिए अब उनका आंदोलन संगठन से कहीं आगे बढ़ चुका, उनकी जो शख्सियत है वो संगठन से कहीं आगे जा चुकी है, मैं कहूंगा राजनीति कब से भी कहीं आगे जा चुकी है। आज देश के हर राज्य में, देश के हर शहर में, यूनिवर्सिटीज में माननीय साहब पे कार्यक्रम हो रहे हैं। देश के अंदर अब बाबा साहब के बाद अगर किसी दूसरे महानायक के ऊपर पीएचडी रिसर्च हो रही है तो माननीय साहब के साथ के ऊपर हो रही है। हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा कि माननीय साहब बहुत जल्दी देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें एक की फिगर बनने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो रणनीति रही है कि किस तरीके से दबे कुचले पूरे समाज को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दें, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा कर दें कि एक जो फोर्थ क्लास का हमारा एम्प्लॉई है वो आईएएस ऑफिसर्स का कैडर लेगा और आईएएस ऑफिसर जो है चुपचाप सुन रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि भाई क्या बात है। तो इस तरह की जो कारण्यता उन्होंने पहले की, इस तरह का जो कैडर उन्होंने डेवलप किया, इस तरह का जो मूवमेंट उन्होंने डेवलप किया, अब उस मूवमेंट की उपज आपके सामने आ रही है, उसकी जो है नई पीढ़ी आपके सामने आ रही है। यही हम लोगों का आज प्रयास भी था, एक महीने पहले भाई सुधीर के सहयोग से हम लोगों ने थोड़ा बहुत कहने का प्रयास किया, ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो आज खुशी की बात है कि बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश के अंदर लगे हुए हैं, और इस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 मार्च को माननीय साहब का जो है जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए, उस अवसर का भी आगे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनके हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ है साथ बातचीत करनी है। अंबेडकर साहब कह रहे थे कि कांग्रेस
करना है, जो बाबा मानेवर साहब ने कहा है कि भाईचारा उत्पन्न करना है, जातियां तोड़ के समाज जोड़ने का काम करना है। जैसे जैसे हम जातियों को तोड़ेंगे उसी तरीके से समाज बढ़ता जाएगा। एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा साथियों, इस आंदोलन को हमें किसी भी रूप में कभी भी चाहे कितनी भी परेशानियां हमारे सामने आ जाए, कितनी भी पीड़ा हमारे सामने आए, कितना भी हमारा तिरस्कार हो, कितनी भी मजबूरी हो, हमें इस आंदोलन को एक जाति का आंदोलन नहीं करने देना। इसको कभी भी एक जाति का आंदोलन नहीं करने देना है। यह आंदोलन वास्तव में 6743 जातियों का आंदोलन है और इसमें हम सबको जोड़ेंगे। जब जब हमने ये आंदोलन आगे बढ़ाया है, मनुवादियों ने इस आंदोलन को, अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हजारों साल की बात कर रहा हूं, उस आंदोलन को एक जाति का आंदोलन बना के आंदोलन को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए किसी भी सूरत में इसको एक जाति का आंदोलन ना बनने दें, ये पूरे बहुजन समाज का आंदोलन है। जैसे जैसे बहुजन आपस में जुड़ेंगे, आज 100 में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ यहाँ पर 125 के आसपास यहाँ पे लोग हैं, कम से कम 20-25 जाति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जैसे मेरी समझ है। इसलिए हमें इस आंदोलन को और जातियों को जोड़ना है, और लोगों को साथ जोड़ना है। जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे समाज बढ़ता जाएगा, ग्रामीण बात जो है बस होता जाएगा। उस महावीर के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास एक छोटी सी जो है छोटा सा कांटा है, 2 फीट की लकड़ी है जो आपके सर पे मनुवादी महावीर बैठा हुआ है। हाथी को जिस दिन अपनी ताकत का पता चल जाएगा उसी दिन हाथी उस महावीर को पैरों के नीचे से कुचल जाएगा। ये समाज जो है उस हाथी की तरह है जिसकी आंखें खुल गई है, बस उसको अपना अंतिम हथियार चलाना है, अपना जो है अंतिम वार करना है। ये वार आप कभी भी कर सकते हैं साथियों, अपने जीवन काल में हम इस काम को कर सकते हैं। हमें अपने लिए कुछ व्यक्तिगत बनाना चाहिए कि मेरा जीवन का ये उद्देश्य है, उम्र पे मैं यही योगदान करूंगा। मिशन पे बैठू सोसाइटी या मिशन पे बैठू जो हमारे मूवमेंट पूरे देश के अंदर चल रहे हैं उसमें जान है कि आप कुछ भी सहयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित नहीं करेंगे या आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। जो भी जहाँ पे है वहाँ पे अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निर्धारित करो और आगे बढ़े। इन्हीं सबों के साथ अपनी बात जय भीम।